है एवरीवन। तो मैंने लिया है आज बुफे, और बुफे में मैं लेने वाला हूँ अलग अलग, उसमें खाना है तो मैं वेज जा रहा हूँ बुफे, वेज बुफे मैंने लिया है। तो देखते हैं उसमें क्या है। वैसे तो स्टार्टर पे है सूप, तो हम टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे कि सूप कैसा है और बाकी खाना कैसा है। और इसके साथ साथ हमने कुछ थाली भी डिफरेंट ली है, एक राजस्थानी और एक पंजाबी, तो उसका भी हम आपको रिव्यू देंगे। देखिए ये सब मुझे मेरे स्टार्टर मील में मिला है। ये सूप है और ये कुछ वेजीज़ के साथ पनीर है, ये भी पनीर है कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो मैं टेस्ट करूँगा फिर आपको बताऊँगा ये कैसा है। तो ये मेरा मेन कोर्स है, इसमें ये है मलाई कोफ्ता, और जो सेकंड डिश है वो है पनीर मसाला टिक्का, यहाँ पर मटर आलू है, और ये काफ़ी थिक अच्छा रायता है। इसके साथ इसमें प्लेन राइस भी है, पर मेरे फ्रेंड ने बिरयानी ली थी तो मैंने वो शेयर की है। और इसके साथ साथ यहाँ पर रोटी है। तो मेरे डिज़र्ट में है ये रसमलाई, और इसके संग संग गुलाब जामुन भी है, पर अभी मैंने रसमलाई ली है। और इसके साथ साथ है फ्रूट रायता, इसे भी आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग है ये। और इसके संग सिंपल रायता भी था, वो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे डिज़र्ट में है गुलाब जामुन भी इंक्लूडेड, तो ये हैं गुलाब जामुन, काफ़ी सॉफ्ट हैं, गर्म हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, आप भी ट्राई करिए। और बुफे में हमें ये भी मिलता है, तो ये है गोलगप्पा, इसके संग दही बड़ा भी है, तो आप वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट में है ये। मैंने आज यहाँ पर ली है पंजाबी थाली, और इसमें हमें लस्सी और स्टार्टर में पनीर मिली है। और ये मेरी पंजाबी थाली है जिसमें आप देख रहे हैं रोटियां हैं, दाल है, सूखी वेज सब्ज़ी है, इसमें पनीर की सब्ज़ी है, मलाई के कोफ्ते हैं, छोले हैं, सैलड है, और रायता भी है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा लगा। हाय गाइस, मैंने ली है राजस्थानी थाली, तो उसमें मुझे जो स्टार्टर मिला है वो है प्याज के भजिए और केसर बादाम दूध। देखिए बहुत ही टेस्टी है, बहुत मीठा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। राजस्थानी थाली है, मैंने ऑर्डर की थी, इसमें दो तरह की चपाती है, एक गेहूं की और एक बाजरे की। इसके अलावा उस पर अच्छे से घी लगा हुआ है, और ये रायता है, रायते के अलावा साथ में दिया हुआ है सलाद। सलाद के पास में आप देख सकते हैं आलू की सब्ज़ी, ये बीन्स है, बीन्स के बाजू में ये है गट्टे की सब्ज़ी, और फिर है आलू की सूखी सब्ज़ी, दाल मूंग की अच्छे से फ्राई की हुई, और ये है मिक्स सब्ज़ी जिसे दही में मसाला करके भुना हुआ है, और बहुत ही टेस्टी है ये। मैंने सब चीज़ें टेस्ट करी है, गजब की टेस्टी है। राजस्थानी थाली में इन्होंने बाटी और चूरमा भी सर्व किया हुआ है। झांसी होटल जो है वो यहाँ पर झांसी में बहुत ही अच्छा होटल है, यहाँ पर काफ़ी लग्जूरियस होटल्स में से एक झांसी होटल है। बहुत ही अच्छा खाना ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, काफ़ी हाइजीनिक है। तो यहाँ पर आज हम लोग ने जो थाली ली थी तो उनके प्राइस कुछ इस तरह से थे, जो हम लोग ने ट्रेडिशनल थाली ली थी एक राजस्थानी और पंजाबी, तो वो 300 रुपये पर प्लेट मिला था, और उसके साथ आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, अगर आप कुछ ख़त्म करते हैं तो आप उसे रिफ़िल भी करा सकते हैं उस बीच उन्हीं पैसों में। और जो मैंने बफे लिया था
वो था 400 रुपीस का। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो भी आप खुद से रिफ़िल कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जिसके साथ साथ हैदराबादी बिरयानी वो 380 रुपीस की पड़ी थी, वो भी काफ़ी टेस्टी थी, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई स्पीकिंग फ्रेंकली। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत टाइप के खाने हैं, बहुत टाइप की डिशेज हैं, ट्रेडिशनल हैं, कॉन्टीनेंटल हैं, चाइनीज़ है जैसे कि। तो आप आ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के संग एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्लेस है चिल आउट करने के लिए, तो आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए।